इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ट्रेन से जो है करनाल पहुंचे हैं। सबसे बड़ी खबर आप ये देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ट्रेन से करनाल पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं करनाल के जो तमाम भाजपा नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर करनाल से ट्रेन में पहुंचे हैं, जन शताब्दी ट्रेन में पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें समय देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री, यहाँ से ई रिक्शा ट्रेन से पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, वोट डालने पहुंचेंगे करनाल के। लाइव बताइए दिल क्या कह रहा है, मतदान शुरू हो गया पूरे हरियाणा में? अभी ट्रेन रुकी है, बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मुझे लगता है। और अभी तो मैं मतदान करने के लिए आया हूँ, मतदान करने के बाद वहाँ बूथों पर बाकी सब जगह की जो जानकारी मुझे मिलेगी उसके बाद आपसे बात होकर। आपको लगता है कि जो मुद्दे आप लेकर चले थे चुनाव में वो मुद्दे प्लीज थोड़ा हम राज्य की बात करते हैं और राज्य में भी हमने इतने जो काम किए हैं जिस काम से जनता जो प्रसन्न है वो बहुत बड़ा कारण है कि जनता हमारे साथ जुड़ी है और ये राज्य के मुद्दे ही उल्टे पड़ रहे हैं। उन्होंने जो पिछले साल में कांग्रेस ने थोड़ा लोगों ने काम किया और हमने जो 5 साल काम किया है उसकी जनता तुलना कर रही है। आज जनता का जीवन जो है सुखी हो गया है और उनको एक प्रकार की जो सहूलत हो रही है सर क्या कहेंगे आप? जिसको वोट डालना है वो अपने अधिकार का चलिए जिसको वोट डालना है वो अपने अधिकार का है। पर पे क्या कहेंगे आप? राष्ट्रीय पर्व है और प्रदेश के अंदर लोग इस्तेमाल करें आखिर से सब लोगों को अपने अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए और उसी क्रम में मैं भी आज आपने 75 पार का नारा लगाया सर किस तरह जा रही है और किस तरह की वोटिंग आपको दिखाई दे? बहुत अच्छी होगी, जो पिछला लोकसभा का जो परसेंटेज है मुझे लगता है उसके काफी आगे बढ़ेगा। ई रिक्शा पर जाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं, ई रिक्शा पर वोट डालने पहुंच रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ई रिक्शा से वोट डालने जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। ई रिक्शा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना वोट डालने जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन से उतरे, जन शताब्दी ट्रेन से उतरे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ई रिक्शा पर मुख्यमंत्री वोट डालने जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें तो मैं आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं करनाल के प्रेम नगर में सरकारी स्कूल फॉर बॉयज में जो है मुख्यमंत्री का 174 नंबर पोलिंग बूथ में वोट डालना है और आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा में मुख्यमंत्री जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। ये आप देख रहे हैं प्रेम नगर से ई रिक्शा पर निकला है मुख्यमंत्री का काफिला, सुरक्षा दस्ता भी ई रिक्शा पर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी ई रिक्शा पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा सुरक्षा तंत्र जो है ई रिक्शा पर जाता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री खुद ई रिक्शा पर सवार हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी अमरेंद्र सिंह हैं, जिला प्रधान जगमोहन आनंद है, रेणु बाला गुप्ता है और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ई रिक्शा पर जाते हुए ये लाइव तस्वीरें समय आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। मुख्यमंत्री ई रिक्शा पर वोट डालने जाते हुए नजर आ रहे हैं। वोट डालने जाते हुए पहले ट्रेन से आए और ट्रेन के बाद आप देख सकते हैं अचानक प्रोग्राम बनता है ई रिक्शा पर जाने का और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री हरियाणा वोटिंग पोलिंग बूथ पर ई रिक्शा से जाते हुए नजर आ रहे हैं, ई रिक्शा पर वोट डालने जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कीजिए। ई रिक्शा पर बैठे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वोटिंग करने जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देखते रहिए प्रेम प्लाज़ा।
राजा 174 नंबर पोलिंग बूथ है, सीधा वहां पर जाएंगे मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें सभी आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी का पूरा सुरक्षा दस्ता ई रिक्शा पर जाता हुआ। ये लाइव तस्वीरें समय आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। पूरा दस्ता मुख्यमंत्री जी का सुरक्षा दस्ता आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा पर मुख्यमंत्री वोट डालने जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं किस तरह से ये आप देख सकते हैं ई रिक्शा पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अपना वोट डालने। कुछ ही देर में पोलिंग बूथ जो 174 नंबर पोलिंग बूथ है वहां पर पहुंचेंगे। ये आप देख सकते हैं कि उनके साथ जो उनके एसपी सिक्योरिटी हैं, जो करनाल के एसपी भी रह चुके हैं पंकज नैन, वो भी साथ मौजूद हैं। और किस तरह से तमाम लोग आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के ओएसडी हो, जिला प्रधान हो, करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता हो, सभी लोग मुख्यमंत्री के साथ इस ई रिक्शा में सवार हैं और 174 नंबर पोलिंग बूथ में मुख्यमंत्री वोट डालेंगे, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि राम करनाल के प्रेम नगर इलाके में आप देख सकते हैं ई रिक्शा पर निकले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना वोट डालने। पहले जानकारी थी कि साइकिलों पर जाएंगे स्टेशन से अपने घर पर, और उसके बाद आप देख सकते हैं ई रिक्शा पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसकी तस्वीरें समय आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ई रिक्शा पर पहुंचे हैं और किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने प्रेम नगर जहां पर उनका निवास स्थान है वहां पर पहुंच चुके हैं, और यहां से साइकिलों पर शायद वह मुख्यमंत्री जाएंगे और उनके साथ जो पूरा सुरक्षा दस्ता है वो भी ई रिक्शाओं पर ही सवार है। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का जो निवास स्थान है प्रेम नगर में, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और उसके बाद वह साइकिलों पर जाएंगे, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठ चुके हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि अपने निवास स्थान के पास पहुंच चुके हैं। उस तरह से ये आप देख सकते हैं ई रिक्शा पर पहुंच चुके हैं अपने निवास स्थान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और किस तरह से यहाँ से साइकिलों पर जाएंगे। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अपने निवास स्थान पर पहुंचे हैं। रिक्शा पे जाएंगे, साइकिल पे कह रहे थे, साइकिल साइकिल तो ये आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अपने निवास स्थान प्रेम नगर स्थित निवास स्थान पर पहुंचे हैं। मेरे पास मैसेज आ गया। अरे यार पीछे हो जाओ। ये आप देख सकते हैं सीएम साहब साइकिल पर बैठ चुके हैं, साइकिल पर वोट डालने, पहले ई रिक्शा और अब साइकिल पर सवारी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं साइकिल पर निकले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना वोट डालने। पहले ई रिक्शा पर और आप देख सकते हैं साइकिल पर अपने पोलिंग बूथ संख्या नंबर 174 पर वोट डालने जाते हुए ये तस्वीरें देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को। धर्म सिंह चश्मा गिर गया, जरा चश्मा गिर गया आपका, चश्मा गिरा हुआ तुम्हारा, देखो साइड दीजिए, साइड हो जाओ। जाते हुए नजर आ रहे हैं तरीके से। आप देख सकते हैं साइकिल पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आप
हर एक महत्वपूर्ण अवसर पर देना चाहिए। माइक दे यार। अरे भाई थोड़ा पीछे कर रहा है, ट्रेन से साइकिल से ट्रेन को चुना, फोन पीछे कर लो भाई। आखिर एक सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रेवल करना चाहिए आराम से यार। तो ये मनोहर लाल खट्टर इन्होंने कहा मुख्यमंत्री यहाँ पर देखे सर पीछे अंदर चले एम सी है लोकल कोई नहीं भैया थोड़ा टोपी वोटर पर्ची दिखाते हुए आप ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री अपनी वोटर पर्ची दिखाते हुए वेपन थोड़ा साइड में आ जाओ साइड में अंदर नहीं जा रहे भाई साहब कार छोड़ दो यार कार छोड़ दो देख सकते हैं ये मीडिया भी यहां पहुंचा है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो फोटो हालांकि नहीं लेनी चाहिए लेकिन मीडिया की भी आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ दिल्ली का मीडिया भी यहां पर पहुंचा हुआ है ये देख सकते हैं ये है चंडीगढ़ दिल्ली से आया हुआ मीडिया एक अच्छी तस्वीर लेने के लिए मुख्यमंत्री की आप देख सकते हैं कि मीडिया को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है ये खिड़की तो खुलवाता सर एक फोटो करवा लीजिए सर एक सर हां हां ये फोटो करवा लो सर एक बार पहले यार एक मिनट यार एक मिनट करवा लो सर हमारे साथ सर हम बाहर से कर रहे हैं सर बाहर से सर हमारे पास ये कार है मुख्यमंत्री सर हम नहीं कोई नहीं कोई नहीं देख सकते हैं चंडीगढ़ व दिल्ली से आए सैकड़ों मीडिया कर्मियों द्वारा मुख्यमंत्री जी को जो घेरा हुआ है इंटरव्यू लेने के लिए एक फोटो लेने के लिए ये कार्यकर्ताओं का हजूम नहीं बल्कि चंडीगढ़ से व दिल्ली से आया हुआ मीडिया है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये मीडिया कर्मी हैं कहीं गिर रहे हैं कहीं घायल हो रहे हैं लेकिन कवरेज करनी जरूरी है यार क्या कर रहे हो धक्का ले मारे हेलो यार किसी से धक्का क्यों मार रहे हो ये रखे भाई हेलो सीधा रख यार हेलो मिलना कि नहीं मिलना हेलो निकाल पता निकाल देख लो पांच नंबर करवा रहे पीछे हो जाओ यार थोड़े पीछे हो जाओ यार लाइट डाउन करो पीछे हो यार थोड़ा सा ओ यार पीछे हो अबे लाइट डाउन करो प्लीज पहले पीछे हो यार नहीं करेंगे डाउन गिर की बैटरी हो गई अरे बैटरी उठाओ भाई बैटरी करेंगे बैटरी उठाओ पीछे हो पहले यार पहले पीछे हो लाइट बैटरी उठा लाइट उतारिए बैटरी देना बैटरी सीएम साहब एक फोटो क्लिक करवा दे मित्रों सुनिए मैं एक मिनट की स्टेटमेंट देता हूँ उसमें सब लोग जाएंगे आप कोई अलग अलग सर आज देखिए हरियाणा में यार ऊपर हटाओ आप हरियाणा
विधानसभा के चुनाव का यह दिन है। लगातार प्रचार अभियान के बाद आज 21 अक्टूबर को हरियाणा भर में सब जगह मतदान हो रहा है। मैं भी आज मतदान करने के लिए चंडीगढ़ से यहाँ आया हूँ। पहले प्रातःकाल पंचकुला से और करनाल तक लगभग 2 घंटे जन शताब्दी की यात्रा करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उसके बाद रेलवे स्टेशन से मेरा जो कार्यालय है वहाँ तक मैं अपना साइकिल नहीं ई रिक्शा से मैं आया हूँ। मेरे सिक्योरिटी के सब लोग भी ई रिक्शा में ही थे और अपने कार्यालय से पोलिंग बूथ नंबर 174 तक मैं साइकिल से ही आया हूँ। बहुत से बंधुओं का प्रश्न ये था कि ये क्यों किया है। कोई भी महत्वपूर्ण अवसर होता है उस पर कोई ना कोई संदेश अवश्य देना चाहिए, इसलिए आज इस माध्यम से चाहे वो ई रिक्शा है चाहे साइकिल है मैं हरियाणा की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों को पर्यावरण की तरफ भी ऊपर करना चाहिए, पर्यावरण के लिए सजग रहना चाहिए, पर्यावरण बचाना चाहिए। भले ही एक सांकेतिक विषय होता है लेकिन इसका एक मैसेज इसलिए देना चाहता हूँ कि जहाँ तक संभव हो हम प्रदूषण को रोकें, पर्यावरण की चिंता करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसका। सर प्रदेश भर से कैसी रिपोर्ट आ रही है, चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है? अभी तक चुनाव आयोग की ही जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट आपके पास है, वही मेरे पास है। हर जगह जो वोटिंग हो रही है अच्छी वोटिंग शुरू हो गई है और अपलोड लगातार की जा रही है। मैंने कुछ विधानसभाओं पर यहाँ तक भी जानकारी ली है तो 9 बजे तक 15% की वोटिंग भी हो गई थी। एवरेज लगभग 8, 8.5, 9% के आसपास अभी चल रही है लेकिन हर आधे घंटे बाद ये अपडेट हो रही है। चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वही सही आंकड़े हैं। इसके अलावा कौन से मुद्दों पे पार्टियों के बस्ते भी नजर नहीं आ रहे, कौन से मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, कौन से मुद्दे हैं जो आपको वापस लेके आएंगे? वापस लेके कई प्रश्न एक साथ आ गए। पहली बात तो जैसे करनाल में हम देख रहे हैं कि बहुत बूथों पर केवल भारतीय जनता पार्टी के ही बस्ते हैं, बाकी किसी पार्टी के किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बस्ते भी नहीं है। इसमें से एक बात तो स्पष्ट है करनाल में, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ करनाल के अलावा पूरे हरियाणा में कांग्रेस अन्य सब पार्टियां हारी हुई बाजी को खेल रहे हैं और वो मैदान छोड़ चुके हैं। और मैं आश्वस्त हूं कि हमारा जो टारगेट है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। 3/4 मेजोरिटी भी हम ले सकते हैं और सायंकाल तक जिस प्रकार से इंडिकेशन आएंगे वो आप सबको भी मिलेंगे। निश्चित रूप से 75+ जाएंगी या मैंने कहता है कि अपना टारगेट हम पूरा करेंगे। और मतदान भी मैं मानता हूँ कि जो पिछली बार लोकसभा के चुनाव में हरियाणा का 76% रहा था मतदान, उसके आसपास या उससे ऊपर पहुंच सकता है क्योंकि एक जागरूकता है, उत्साह है और इस जागरूकता उत्साह के नाते से लोग मतदान कर रहे हैं। फिर भी मैं अपील करूंगा हरियाणा की जनता से कि मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक अवश्य जाएं। अपना जो दायित्व है अपनी ड्यूटी है ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का है, ये हमारी संवैधानिक ड्यूटी का है, सोशल पॉलिटिकल मॉरल हर प्रकार की हमारी ड्यूटी है। वोट किसको करना है ये हमारा अधिकार है, अपने अधिकार का भी उपयोग करें, ड्यूटी और अधिकार दोनों को करके अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। कांग्रेस की कितनी सीटें आने की उम्मीद है? जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दे हमारे बिल्कुल हमने स्पष्ट कर दिए थे, चाहे हमारी जन आशीर्वाद यात्रा थी चाहे चुनाव प्रचार अभियान है उस सब में, उसमें प्रदेश के भी महत्वपूर्ण विषय सारे आए हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी आए हैं। और ये कांग्रेस हमेशा बार बार ये कहती है कि इनको केवल प्रदेश के मुद्दों पर बोलना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका क्लियर कट कोई नीति, स्पष्ट नीति नहीं है जिसमें से घबराते हैं। चाहे वो 370 होगी, चाहे वो 35B की हटाने की बात है, चाहे किसी प्रकार के जो विषय 370 की बात और इससे पहले पुलवामा, बालाकोट, ये सब विषयों पर उन्होंने इस प्रकार से उलझाया है चीज़ों को जिसके कारण से वो अपने आप कटघरे में खड़े हो गए हैं। हमारा मत यह है कि चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों चाहे प्रदेश के मुद्दे हों, हम तो यहाँ तक प्रदेश सरकार के नाते हमारा जो दायित्व है स्थानीय निकाय के मुद्दे, पंचायती राज के मुद्दे, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करते हैं ताकि उनको भी हम अधिकतर एक सुविधा के नाते लोगों को। सर कैथल में रणदीप सुरजेवाला ने वोट डालने के बाद ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, 55 सीटें आ रही है, रणदीप सुरजेवाला ने कहा। विपक्ष के लोग कुछ भी दावा करें ये आपको भी पता है हमको भी पता है, इस प्रकार लोगों को भ्रमित करने के लिए इस समय बोलेंगे और उनके बोलने का कोई प्रभाव जनता पर पड़ने वाला नहीं। स्पष्टीकरण कर दिया है कि ये एक वीडियो को जिसको कहना चाहिए फेक वीडियो है और इसको जोड़ तोड़ करके उनकी कुछ बातों को उठा करके इधर उधर से लगाया गया है, उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया है और उसके लिए उस वीडियो को एक प्रकार से चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उसकी जो इंक्वायरी करानी है वो इंक्वायरी भी कराई।
ठीक है सर। देखो सर साइड में सर एक फोटो एक फोटो एक फोटो आईडी है सर ऊपर आके ऊपर दिखाना जरा। अरे चेयर दे दो भैया, चेयर दो, चेयर दे दो भैया। अरे फोटो लेनी है यार पीछे के में दीप है प्री साइन दिखा दे यार। यार पीछे कर लो कैमरा थोड़ा भैया, दिखाना जरा एक कमल 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 माइक कितने तरह मेरा माइक मजबूत बन के आएंगे जी सर। सर सर फिर एक बार चलो चलो सिंधा पे अपील कर दो, सिंधा पे अपील कर दीजिए, दोबारा कर दो करवा लेते हैं। तीन का मतलब क्या हुआ सर ये बता दो, क्या हुआ सर ये तीसरा निशान टू थर्ड मेजोरिटी तो है ही है। पहला तो मैं वोट डाल के आया, दूसरा वोट के साथ जीत की विक्ट्री, दूसरा दोनों बातें एक साथ वोट भी डालना विक्ट्री भी देना। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जो है करनाल के प्रेम नगर के 174 नंबर पोलिंग बूथ पे वोट डालकर यहाँ से अपनी जीत का विक्ट्री का निशान बनाकर यहाँ से रवाना होते हुए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बार वोट डाला है। पहली बार उन्होंने एमपी के जो चुनाव हुए थे तब उन्होंने यहाँ पर वोट डाला था। और आपने देखा कि किस तरह से पूरी वीडियो में करनाल के रेलवे स्टेशन से नीचे उतरते हैं, ई रिक्शा पर बैठते हैं और प्रेम नगर स्थित अपने निवास स्थान पर ई रिक्शा पर आते हैं और वहां से साइकिल पर जो है अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाना कि कई पोलिंग बूथों पर और आप देख सकते हैं जो बीजेपी के बूथ है वहां पर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। प्रेम नगर स्थित जो पोलिंग बूथ है वहां पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए पोलिंग बूथ के ऊपर। भारत माता की जय।